Hi guys, welcome back to my channel The Girl Next Door and thank you for watching this video. So aaj ke video mein I'll be sharing few things that I bought from Amazon and you definitely need those things in your life. It will actually make your life a bit easier, taking care of the body, the skin. Main apne daily life mein ye sare cheeze use karti hu, not regularly but frequently kafi use karti hu and it actually will make your life a bit easier. But before getting into this video, you know the drill. Please take a moment and subscribe to my channel. Hit the like button if you love watching my videos and do leave a comment down below. And now let's get quickly into this video. Okay, so first बात करते face shaving से. So usually I tend to shave my peach first and also कभी कभी threading करने का मौका नहीं मिलता parlor जाने के लिए. So I prefer थोड़ा बहुत जो extra growth होता है eyebrows का, तो मैं थोड़ा घर में ही shave कर लेती हूँ. I use face razor, so बहुत ही convenient होता है. It also gives you a very clean base for your makeup. So the face razor जो मैं use करती हूँ वो मैंने Amazon से खरीदा था. And it comes in a pack of 3. मैंने एक खो दिया है बट आई हैव टू ऑफ देम. इट इज फ्रॉम द ब्रांड ट्विंकल. ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड ये शायद 130 या 140 के आसपास है. यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई एंड इट कम्स विद अ प्लास्टिक कैप लाइक दिस एंड दिस इज हाउ योर रेजर लुक्स. आप लोग इसको डायगनली प्लेस करके शेव कर सकते हैं बट मेक श्योर डू नॉट ड्राई शेव. हमेशा एलोवेरा जेल या कोई भी मॉइस्चराइजर जो एकदम मॉइस्ट हो. यू गेट अ स्लिपरी बेस एंड देन यू ट्राई टू शेव इट इन अ डायगनल डायरेक्शन but do it very carefully. But I have been using this काफी दिनों से, so I thought मैं कुछ एक और अच्छा ब्रांड ट्राई करूंगी. And recently मानसी माओ ने रिकमेंड किया था the facial razor from Carmacy. This is how it looks. It is absolutely new. मैंने इसको खोला तक नहीं है. These razors are really nice, a bit on the expensive side, क्योंकि ये 300 के आसपास आता है. But this is actually how it looks. It has a very sturdy handle, and then again you get the same thing with a cap. So you can give any one which a try. दोनों ही बहुत अच्छा ब्रांड है. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑल्सो जो मैं हमेशा डेली लाइफ में यूज करती हूँ एंड आई लिटरली नीड दिस इन माई लाइफ. अगर आपके नोज में ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हमेशा आते ही रहते, यू मस्ट हैव दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज बेसिकली द ब्लैक हेड रिमूवर टूल फ्रॉम द ब्रांड वेगा. इट कम्स इन अ पैक ऑफ 2 ऐसे प्लास्टिक पैकेजिंग में एंड ये मटीरियल ऑफकोर्स स्टेनलेस स्टील है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इट हैज 2 एंड्स एंड आई प्रेफर टू यूज दिस एंड क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे से स्क्रेप आउट होता है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स एंड बहुत ही एकदम क्लीन लगता है नोज. मेरे को ये जरूर ही चाहिए बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ व्हाइट हेड्स स्पेशली रैदर देन ब्लैक हेड्स. तो ये रिमूव करने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है. एंड मेक श्योर आप लोग स्टीम ले ले. स्टीम लेने से क्या होता है कि पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो रिमूव करने में व्हाइट हेड्स बहुत ही ज्यादा आसानी होता है. एंड दिस साइड इज बेसिकली आई हैव नेवर यूज्ड. सो ये वाला बेसिकली जो एकदम डीप पोर्स में ब्लैक हेड्स रहते हैं वो रिमूव करने के लिए होते हैं. एंड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. ये काफी अफोर्डेबल है. ये भी आई थिंक 120 के आसपास है. आई विल लिंक ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द प्राइस ऑन द स्क्रीन. तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, मैं कहूंगी नहीं कि मैं हमेशा ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बस येस क्वाइट फ्रीक्वेंटली जब मेरे को मेकअप करना होता है, मेरे को फेस को डीप अप करना होता है, आई यूज दिस. आई थिंक यू ऑल नो द प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. इट्स अ जेड रोलर. अब देखो, जेड रोलर एक्सपेंसिव साइड में भी आते हैं, इनएक्सपेंसिव साइड में भी आते हैं. अब एक्सपेंसिव साइड वाले जो भी जेड रोलर्स होते हैं वो ऑफकोर्स रियल क्रिस्टल से होता है. आई मीन द क्वालिटी ऑफ दीज क्रिस्टल्स आर रियली नाइस. बट आई गेव अ ट्राई टू द वन विच इज ऑन द इनएक्सपेंसिव साइड. सो दिस इज बेसिकली आई गेस 399 या 299 में आया था. Quite an affordable option, but not that sturdy. I mean, इसका stone निकल आया था, so I tried to fix it somehow. But अगर आप लोग जो expensive है वो खरीदने का कोशिश करें, I don't know अगर वो perform better करेगा कि नहीं, but this also does the job quite well. So basically, मैं इसको हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, तो एकदम chilled हो जाता है. So whenever I need to deep puff my face, I always roll this on my face when it is very chilled and cold. So ये deep puffing में बहुत काम आता है. And this side
यूज अंडर माई आईज, सो मेरा आईज भी बहुत अच्छे से डीप अप हो जाता है. सो हमेशा अगर आप लोग जेड रोलर्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई सीरम या हैवी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि क्या होता है कि एक स्लिपरी बेस क्रिएट होता है एंड देन यू कैन एक्चुअली रोल ऑन द जेड रोलर रियली स्मूथली. अगर रोज आप लोग यूज करते हैं जेड रोलर्स एंड ग्वाशा, इट डेफिनेटली हेल्प्स इन स्कल्पिंग एंड डीपफिंग योर फेस रियली वेल. दिस इज अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर ऑन एन इनएक्सपेंसिव साइड, बट यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू द वन विच इज रियली एक्सपेंसिव एज वेल. नेक्स्ट जो टूल है मैं बात करूंगी वो है एक फुट स्क्रबर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. आई थिंक दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड वेगा. यस, इट इज फ्रॉम द ब्रांड वेगा. सो इसमें बेसिकली एक हैंडल आता है एंड दिस इज अ प्यूमिस स्टोन. सो इसमें टेक्सचर रहता है, दिस इज क्वाइट रफ. सो दिस इज वॉट हेल्प्स इन एक्सफोलिएशन. ये फीट के डेड सेल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करता है एंड देन पूरा सॉफ्ट एंड सपल हो जाता है. ट्राई टू यूज दिस ऑन योर हील्स एंड अंडर योर फीट, ताकि वहां पे सबसे ज्यादा डेड स्किन होते हैं एंड इट रिमूव्स क्वाइट एफिशिएंटली. व्हेनेवर यू आर लाइक इन द वॉशरूम टेकिंग अ बाथ, तब आप लोग फुट स्क्रब करने का कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दैट टाइम जो स्किन होता है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, उसको स्क्रब करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव इन योर वॉशरूम, सो दैट यू एक्चुअली हैव वेरी सॉफ्ट एंड सपल फीट. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने रिसेंटली खरीदा है, स्कैल्प स्क्रबर खरीदा था. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. यू होल्ड इट लाइक दिस एंड दिस इज अ सिलिकॉन ब्रिसल्स विच एक्चुअली इज यूज्ड टू स्क्रब योर स्कैल्प. सो जब भी आप लोग हेयर वॉश एंड शैम्पू कर रहे हैं तो आप लोग ये यूज करके स्कैल्प से जो भी डर्ट है, जो भी गंक है, आप लोग हटा सकते हैं. सो स्कैल्प में अच्छे से उसको मसाज करके वाइल यू अप्लाइंग द शैम्पू, एंड इससे डैंड्रफ भी बहुत अच्छे से रिमूव होता है, जो भी स्कैल्प में जो डर्ट है बहुत अच्छे से रिमूव होता है. And this actually helps in reducing the dandruff also, because hamesha shampoo sirf karne se aur thode se fingers se scalp ko scrub karne se ekdam bhi acche se dirt ya dandruff nahi jata hai. But if you use this, this actually helps in reduction of dandruff as well. Isko use karne se blood circulation bhi bahut acche se improve hoga and that would actually lead to your hair growth. But mainly it is used for removing the gunk and dirt, and it is also quite inexpensive and the quality is really नाइस. एंड द लास्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो आई थिंक अभी सब लोग यूज करते ही है, बट इट हैज वर्कड रियली रियली वेल फॉर मी, एंड वो है अर्बन योग का एक्नी पिंपल पैच. दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड इसमें 36 पिंपल पैचेस आते हैं, 12 पीसेस थोड़े बड़े साइज में एंड 24 पीसेस थोड़े छोटे साइज में. सो दिस इज एन एब्सोल्यूटली अमेजिंग प्रोडक्ट. अगर आपको पिंपल होता है कोई भी फंक्शन में जाने से पहले या कभी भी, यू जस्ट नीड वन पैच ऑफ दिस. ये बहुत अच्छे से पिंपल को रिड्यूस करता है, एकदम एक्टिव एक्ने को एकदम फ्लैटन कर देता है एंड पूरा उसका जो गंक एंड पस है भी निकाल देता है. बहुत ही एकदम मैजिकल प्रोडक्ट है. कभी भी बाहर जाना होता है या नहीं होता, अगर घर में भी मेरे को पिंपल होता है तो आई डेफिनेटली यूज अ पिंपल पैच उसको रिड्यूस करने के लिए. एंड यू कैन सी इट इज कम्प्लीटली ओवर. मैं आपको काश दिखा सकती, बट इसी में ही 36 डॉट्स रहते हैं. यू हैव टू जस्ट पुल आउट वन एंड देन प्लेस इट ओवर योर पिंपल एंड देन लीव इट फॉर ओवर नाइट. नेक्स्ट डे आप लोग उठोगे एंड देखोगे कि पिंपल एकदम गायब है. सो दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट. दिस इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, 350 के आसपास है. आई मीन येस वर्क्स मैजिकली, बट या फिर 350 है, बट डेफिनेटली वर्थ एवरी सिंगल पेनी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. लेट मी नो अगर आप लोग ऐसा वीडियोज और देखना चाहते हैं वेर आई शो यू द टूल्स और द प्रोडक्ट्स और स्किन केयर दैट आई यूज रिलीजियसली इन माई डेली लाइफ, एंड इट डेफिनेटली हैज हेल्प्ड मी. एंड जाते जाते एक कॉमेंट जरूर छोड़ के जाना, इट वुड रियली मीन द वर्ल्ड टू मी. अंटिल देन आई मीट यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.